हे गाइस, वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। तो डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की हमारी रीडिंग होने वाली है कि क्या कुछ आने वाला है आपकी लाइफ में, आने वाले टाइम में क्या कुछ आने वाला है, कोई पर्सन आने वाला है या अबंडेंस आने वाली है, क्या होने वाला है आने वाले टाइम में आपके साथ, क्या कौन आने वाला है, तो ये हम देखेंगे आज की वीडियो में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दो पाइल्स हैं, प्री शफल कार्ड्स हैं गाइस, मैं इनको नहीं देखती, जो भी होगा आपके सामने फर्स्ट टाइम ओपन अप करूँगी। ओके, सो पाइल नंबर वन उनका है जिनका नेम का इनिशियल है ACEGIJLNPRTVX, एंड पाइल नंबर टू उनका है जिनका नेम का इनिशियल है BDFHKMOQSUWY और Z। ओके, सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं पाइल नंबर टू को साइड रख देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर वन की रीडिंग से। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर वन को सिलेक्ट करा है, चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। गाइस, मैं पहले सारे कार्ड्स ओपन अप करूंगी एंड देन आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी। द लवर्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द डेविल, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द जस्टिस। ओके, सो गाइज, अगर मैं बात करूँ आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, मैं सारे कार्ड्स ही दिखा देती हूँ आपको। वी हैव द थिंकिंग मैन। ओके, आई होप आप गाइज देख पा रहे हैं। ओके, एंड देन हमारे पास है आप लोगों के लिए बाकी के दो कार्ड्स, बाय द बुक एंड हायर पावर। ओके, सो पाइल नंबर वन अगर मैं बोलूं आप लोगों की लाइफ में कौन आने वाला है, तो डेफिनेटली यहाँ कौन भी है, बहुत कुछ आने वाला है आपकी लाइफ में। मैं सच बताऊं तो एक तरीके की नई शुरुआत होते हुए देख पा रही हूँ मैं। अब ये नई शुरुआत, फर्स्ट ऑफ ऑल लवर्स का कार्ड है, तो हो सकता है कोई पास्ट का पर्सन या आपका ट्विन फ्लेम जिसका आपकी लाइफ में आना जाना लगा रहता हो, वो आने वाला हो वापस। एंड थोड़ा सा आप गार्डेड रहेंगे कि वो क्यों आया है, ऐसे ऐसे शक हो सकता है आपके साथ पैदा हो। किसी टाइप का नया बिजनेस जिसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, जो आप काफ़ी टाइम से करना चाहते थे, वो आप करेंगे। एक प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है गाइज, ये क्योंकि सब लोग देखते हैं ये रीडिंग, मैं सबके अकॉर्डिंगली ही बात करूंगी। जो जो मेरे को यहाँ कार्ड्स में दिख रहा है, मैं आपको वही बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लवर्स के साथ आप लोगों की लाइफ में कोई पास्ट का इंसान वापस आ सकता है, या फिर एक नया लव का प्रपोजल आ सकता है, क्योंकि एस ऑफ कप्स विद लवर्स आया है, कॉम्बिनेशन मैटर करता है। पैशनेट एनर्जी, पैशन बहुत ज़्यादा फील करने वाले हो आप, हो सकता है आपके लव में भी एंड आप अपने करियर में भी। काफ़ी टाइम से अगर आप कोई नई शुरुआत करने का सोच रहे थे, तो वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों की लाइफ में पैशनेट बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगर ये लव में पैशन है तो थोड़ा संभल के रहिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अबंडेंस आने वाली है, किसी टाइप का कम्युनिकेशन रिसीव होगा आपको दूर से, जहाँ से आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, वहाँ से कम्युनिकेशन आएगा एंड वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस, अपॉर्चुनिटीज़ और खुशियाँ लेकर आने वाला है। अगर आपके साथ किसी टाइप का पास्ट में अन्याय हुआ था, तो वहाँ पे आपको न्याय मिलने वाला है, जस्टिस होने वाला है आपके साथ। एंड आप में से कुछ लोग किसी टाइप की पार्टनरशिप में भी मेरे को आते हुए दिख रहे हैं। बाय द बुक एंड हायर पावर आपको ये कह रही है कि एंजल्स आपके साथ हैं, यू आर कम्प्लीटली ब्लेस्ड, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं इस वक्त, आपका लकी पीरियड है जहाँ आपकी ग्रोथ तो होना निश्चित है। बाय द बुक में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पूरी एक फैमिली है, तो ग्रोथ होने वाली है आप में से कुछ लोगों की। यहाँ पे अगर आप किसी टाइप की गुड न्यूज़ का वेट कर रहे थे, अपनी फैमिली को एक्सपैंड करने का वेट कर रहे थे, तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। थिंकिंग मैन यहाँ पे ये बता रहा है, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान हो जिसको आप प्रपोज करना चाहते हो, ना आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि एंजल्स की तरफ से क्लियर कट मैसेज है कि आपको सोचना नहीं है, बस आगे बढ़ जाना है और उस इंसान को प्रपोज कर देना है। ओके, काफ़ी शॉर्ट और क्रिस्प रीडिंग थी पाइल नंबर वन आपकी, एंड ये सब कुछ होने वाला है। एंड येस, वन मोर थिंग, 88, ओके, 11-11 आपको काफ़ी दिखने वाला है, साथ ही 88 नंबर जो कि बात करेगा, आपको कहना चाहता है ये नंबर कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आएं, क्योंकि स्टेबिलिटी आने वाली है आने वाले वक्त में आपके लिए। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत क्लैरिटी, अबंडेंस, सब कुछ आने वाला है बेसिकली यहाँ पे।
एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर पाइल नंबर वन. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो एंड आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट करी हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी. ज़रूर लिखें, साथ में लिखें 1111. लाइक ज़रूर करें हमारा ये वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल. और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंशनड है. मैं आऊँगी गाइज और नई रीडिंग्स के साथ. टिल देन लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्स. ओम साई राम. ओके एंड लेट्स जस्ट मूव ऑन टू आर नेक्स्ट फाइल जो कि है हमारी फाइल नंबर टू. तो जिनका भी फाइल नंबर टू है, जिनके नेम का इनिशियल स्टार्ट होता है BDFHKMOQSUWY और Z, चलिए देखते हैं आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है. कोई इंसान आने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है या क्या कुछ होने वाला है. तो उसके लिए मेरे पास पहला कार्ड आया है द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, Queen of Wands, beautiful, Death, okay, Two of Pentacles, okay, and Ace of Swords, Page of Wands, Ten of Pentacles. सिमिलर एनर्जी है गाइज आपकी पाइल नंबर वन की तरह, ज़्यादा नहीं कहूँगी बट ये सिमिलर है. तो हो सकता है आप में से कुछ लोग पाइल नंबर वन से भी अट्रैक्ट हों, कोई दिक्कत नहीं है, पाइल नंबर वन भी आप देख सकते हैं. अगर आपकी इंट्यूशन आपको अट्रैक्ट कर रही है, बोल रही है कि आप पाइल नंबर वन को देखें, तो बेझिझक होकर आप पाइल नंबर वन को भी देख सकते हैं. फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लास्ट कार्ड इज थ्री ऑफ वॉन्ड्स. ओके, तो अगर आपका कोई फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, मैं सारे कार्ड्स रिवील कर देती हूँ आपको. डोर टू रोमांस, ओके, जर्नी, एक्शन एंड बाकी के कार्ड्स हमारे पास हैं एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, गो द डिस्टेंस एंड मैसेज इन अ बॉटल. ओके, सो पाइल नंबर टू, अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपने बहुत मुश्किलों का सामना करा है, बहुत स्ट्रगलिंग फेस. अब मैं नहीं जानती कि आपका करियर का फेस है स्ट्रगलिंग या आपकी लव लाइफ का या दोनों का, बट आसान नहीं है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में पहुंचना. ओके, ये क्वीन ने बहुत कुछ सहा होता है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होता है, तब जाके वो इस एनर्जी में आती है. तो अगर आप लड़का हैं या लड़की हैं, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, तो डेफिनेटली आपने बहुत सफ़र करा है एंड अब जाके आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आया है. एक ऐसी एनर्जी में आए हो जहाँ आप किसी वक्त पहले जब बैलेंस नहीं कर पाते थे चीज़ों को, आज वही आप सेम इंसान हो जो बहुत अच्छे से जानते हो कि चीज़ें कैसे बैलेंस की जा सकती हैं. विद द टू ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा गाइज आपको अपने फाइनेंसिस पे ध्यान देना है. मैं फाइनेंसिस पे ध्यान देने को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आने वाले वक्त में अबंडेंस तो भर भर के है, अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, पैसा आने वाला है, बट उन फाइनेंसिस को बैलेंस करना, मतलब अपने खर्चों को बैलेंस करना अपनी कमाई से, वो थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा. साथ ही आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, ज़्यादा रात रात भर तक नहीं जागना, वो आपके लिए, क्योंकि यहाँ आप लोगों के लिए गाइडेंस भी आई है. पाइल नंबर वन में गाइडेंस आज सच थी नहीं क्योंकि बहुत खूबसूरत है. पाइल नंबर टू में अगर एक्स्ट्रा मैसेजेस गाइडेंस के रूप में आ रहे हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगी. विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग करें, रात रात भर तक ना सोएं, तो वो वहां पे जाके आपकी हेल्थ थोड़ी इफेक्ट हो सकती है. बट आने वाले वक्त में एक प्रपोजल है जो आपका इंतजार कर रहा है, कोई आने वाला है, एक इंसान आने वाला है. ओके, एंड विद द थ्री ऑफ वॉन्स, अगर आप करियर में कुछ सक्सेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि और बड़े आपका करियर, आपका कारोबार, तो आपको बोला जा रहा है पूरी प्लानिंग और फोकस के साथ जाएं, आगे बढ़ें क्योंकि अबंडेंस है. विद द जर्नी कार्ड, अगर आप किसी टाइप के ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कार्मिक कनेक्शन में थे तो वो जर्नी, वो साइकिल एंड हो रही है और एक नई साइकिल आपकी शुरुआत हो रही है. अगर आप काफ़ी टाइम से एक्शन लेने का सोच रहे थे और नहीं ले पा रहे थे, तो आने वाले वक्त में अगर आपने एक्शन नहीं भी लिया तो यूनिवर्स कुछ ऐसी अपनी कर देंगी, अपना कुछ ऐसी सिचुएशन आपके लिए क्रिएट कर देंगी जहां आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा एंड फाइनली आप अपने गोल तक पहुंचेंगे. बेसिकली यूनिवर्स क्या करेंगी, आपको पुश करेंगी. क्यों? क्योंकि अबंडेंस तो है बट इट इज़ जस्ट दैट कि हमारे मन में थोड़े से डाउट होते हैं क्या हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, तो वहाँ पे यूनिवर्स आपको हेल्प आउट करने वाली है एंड आप फाइनली एक डिसीजन लेंगे एंड उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे. कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, ये मैसेज आपका लव से रिलेटेड भी हो सकता है, जॉब से रिलेटेड या फिर कोई बिजनेस डील से रिलेटेड, जहाँ पे आप वेट कर रहे थे, तो पॉजिटिव न्यूज़ है. ओके, अगर कोई न्यूज़ आने वाली है तो वो पॉजिटिव साबित होगी, भले ही आप अगर स्टूडेंट्स हैं एंड अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तब भी न्यूज़ पॉजिटिव है. अगर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, एग्ज़ाम के रिजल्ट का, तब भी पॉजिटिव न्यूज़ है.
हो सकता है आने वाले वक्त में आपको काफी ट्रैवल करना पड़े, तो तब भी हेल्थ थोड़ी इफेक्ट हो सकती है। ये ट्रैवल या तो वर्क रिलेटेड होगा या फिर आउट ऑफ लाइक लेजर के लिए, प्लेजर के लिए होगा। तो डेफिनेटली आप बहुत ट्रैवल करने वाले हो, गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं, कुछ लोगों को रिकॉग्निशन और अवार्ड मिल सकता है उनके काम के लिए आने वाले वक्त में। बहुत प्यारी रीडिंग है गाइज, आई एम सो हैप्पी क्योंकि बहुत दोनों पाइल्स की बहुत सुंदर रीडिंग आई है। आई एम वेरी हैप्पी। 10-10 नंबर आपको दिख सकता है, 11-11 भी दिख सकता है, एंड 333 एंड 444। 444 आपको ये बता रहा है कि एंजल्स आपके साथ हैं। जब आपको 444 या 11-11 दिखे, आपको थैंक यू बोलना है हर छोटी से छोटी चीज़ का जो आपको भगवान ने जिससे नवाजा हुआ है, आपको ब्लेस किया हुआ है। एंड 10-10 नंबर या 999 नंबर आपको इसलिए दिखेगा क्योंकि एक जर्नी और एक साइकिल एंड होने वाली है, तो अगेन एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशनल फेज है। घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मेरे को चीख चीख के एक मैसेज आ रहा है जो कि ये है, द लक इज ऑन योर साइड, बेझिझक होके बिल्कुल डर अपना साइड रख के आगे बढ़ें, भले ही आपकी वो लव लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, आपको सक्सेस मिलेगी। हो सकता है कि आपको लगे कि आपकी जो प्रेजेंट स्टेज है उसको देख के तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, बट यू नेवर नो, इसी को ही तो हम ईश्वर का, यूनिवर्स का चमत्कार कहते हैं। ओके गाइज, सो ये थी आपकी एक छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लिखिएगा आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस एनर्जी। साथ ही 11-11 ज़रूर लिखें क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का नंबर है। लाइक करें हमारा ये वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा ये चैनल और ज्वाइन कर लीजिए हमारी एक डिवाइन फॉर्चून फैमिली को। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारी ईमेल आईडी पे, हमारी ईमेल आईडी है thedivinefortune709@gmail.com। आप चाहें तो सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दूंगी, तो आप वहां से भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स। ओम साईं राम।